ये वो कहते हैं ना, सफर में अच्छा दोस्त आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ता, वो साथ ये नहीं छोड़ता, ये वही दोस्तों में से। ये है कुछ मजेदार हजारे की डिश। वाह रे सलमान खान। हाँ, थोड़ी सी आपकी जो रंग रूप है वाकई चाइनीज तो जापानी शक्ल की, हमें हमने सोचा है कि हम जापान में आ गए। और माशाल्लाह क्वेटा का नजारा भी बहुत मजे का है, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे और खुशी से होंगे। तो आज ऐसी बात है कि चंद लोगों ने मुझे बताया, दोस्त ने बताया था कि कहीं भी जाते हैं सी तो इसी चलते हैं, तो मेरे ख्याल से ये लोग जा रहे हैं ज़्यारत को, या मुझे पहले नहीं बताया इन्होंने, तो भी चलते हैं। मतलब मेरे ख्याल से वही होगा, अगर वो होगा तो मैं ज़रूर उनको दिखाऊँगा कि जहाँ भी हो हमारे साथ रहेगा। तो दोस्तों हम रास्ते से होकर आए हैं अभी ज़्यारत, मतलब आप लोगों को ऐसे व्यू दिखाऊंगा कि काफ़ी मतलब खूबसूरत और हसीन लग रहा है। ये देखें काफ़ी खूबसूरत। वैसे तो यहाँ पे मतलब गर्मी जल्दी आना चाहिए, लेकिन होता यह है कि यहाँ मतलब गर्मी काफ़ी देर रहता है। देखिए पहाड़ है इसीलिए देर रहता है। और किधर से यहाँ से आपको एक किस्सा सुनाते चलूँगा। ये मेरी दूसरी मर्तबा है मतलब इस हफ्ते का जो मैं आ रहा हूँ। पहली मर्तबा ये था कि जब एक मर्तबा मेरे इन्हीं दोनों दोस्तों ने देखे पीछे मेरे इन्होंने बचा रहा हूँ इन्होंने मुझे बताया था कि पिछली मर्तबा के हम आएंगे ना, तो क्या हुआ था कि जब मैं सुबह सवेरे यहाँ पे आया था, सवेरे 5:30 बजे इन लोगों का मतलब वादा था कि हम यहीं पे आएंगे, लेकिन 5 बजे से 9 बजे तक मैं यही नीचे तंदूर पे खड़ा था, जो कि मतलब तंदूर वाला, और दूसरा मेरे ऊपर हंस रहा था कि ये लोग आए ही नहीं, इसलिए इस मर्तबा ये लोग सारे मतलब जुर्माना है। सही है, ये लोग यहाँ पे आए। अब देखे ये क्या कहते हैं, जाकिर किरो भी है और सब भी है, पता नहीं इनका मसला क्या है, इनका मसला हल ही नहीं हो रहा है यहाँ पे है दोनों। क्या बात है जाकिर भाई, क्यों हंस रहे हो? अच्छा एक मिलाता चलूंगा, ये है यासीन सर। यासीन कैसे हो, खैरियत से हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से हो? ठीक हो, शुक्र। यासीन अपना तारुफ करते चलो, आप कौन हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ यासीन सरवरी। और ये भी चला वो सरवरी, तुम्हारा क्या लगता है, ये सारी डिटेल में बताओ। सरवरी हम तो फारसी में उसको काका ही बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं उसको चाचा बोलते हैं। सरवरी तो मेरा चाचा लगता है, और मैं जो हूँ मुझे भी इस तरह शौक है वीडियोग्राफी का और एडिटिंग का, इस तरह ना VFX का, तो मैं लोगों के साथ इस तरह फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग या कैमरामैन के बतौर काम करता हूँ। तो सरवर भी आता है जब इधर, मैं उसके साथ नॉर्थ पूरा पाकिस्तान जो है उसके साथ निकल जाता हूँ, उसका व्लॉगिंग, उसका सारा जिस चीज़ें जो होता है मेरे अंडर कंट्रोल होता है, उसका ड्रोन जो है, उसका गोप्रो सारा, उसका सोनी कैमरा और उसका एडिटिंग सेटअप, उसका सारा जो है चीज़ें में मेरे अंडर आता है और मैं उसका सारा ख्याल रखता हूँ। सरवरी तो फिर वो बेफिक्र होके सिर्फ वो बोलता है कि मुझे रिकॉर्ड करो, बस वो सिर्फ बात करता है, वो सारा चीज़ें मेरे ऊपर, एडिटिंग मेरे ऊपर होता है, कैमरे कुछ चार्ज है चार्ज नहीं है, ये जब बंदा इसको रिकॉर्डिंग करता है तो रात को जाकर इसका SD कार्ड में से जो डेटा होता है उसको हम निकालते हैं, एडिटिंग करते हैं, सारा चीज़ें मेरे पर, बस सरवरी खड़ा होता है बोलता है मुझे फिल्म करो और इसको यूट्यूब पर डाल दो, बस बनी बनाया मुझे दे दो। तो आपने देखा ये था मतलब सरवरी का जो है भांजा, मशहूर हज़ारा यूट्यूबर एंड द मोस्ट हज़ारा फेमस यूट्यूबर सरवरी, जो कि सब जानते हैं। उसका एक मशहूर डायलॉग सुना है, दीवाना बंग में जना बंग में जना, मशहूर डायलॉग है सरवरी का, तो ये उसी का। हाँ दीवाना बंग में जना, ये था सरवरी का डायलॉग। इसके बाद मिलाले चलेंगे जाकिर किरो से। जाकिर किरो भाई खैरियत से हो? अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, खैरियत से हो? ठीक हो, खुश हो? ये जो पिछली मर्तबा आप लोगों ने मुझे 1.5 घंटा 2.5 घंटा पे इंतजार करा था, मैं नहीं था, ये क्या बात है, मैं नहीं था उस, ये नहीं मान रहा है। अच्छा ये नहीं था, अच्छा मुजरिमों में ना कसूर को या बेगुनाह को ना शुमार किया जाए, बड़ी क्या बात है। तो देखते लेकिन ऐसे बोल रहा है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं है, फिर देखेंगे ऊपर जाके और जाकिर से ढेर सारी बातेंगे, रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक। ये नीचे से यहाँ तक हमारे साथ आए थे, ये देखे इसको, ये हमारे साथ है जाहिद भाई, है ना ये हमारे साथ नीचे से। ये वो कहते हैं ना, सफर में अच्छा दोस्त आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ता, साथ नहीं छोड़ता, ये वही दोस्तों में से। ये नीचे से हमारे साथ है, जब से हम तंदूर से ऊपर वो जो सीढ़ियाँ है वहाँ से अभी तक हमारे साथ है।
हमारा साथ नहीं छोड़ा। पता है हमारे साथ तो मतलब गोश्त इलाका है ही नहीं, तो हम इसे पकाने को दे या ये खाए, लेकिन पता नहीं क्या पीछे पड़ा। रोटी भी शायद खाए, सूखी रोटी भी शायद खाए, हो सकता है ये स्मेल स्मेल करता है होगा। सुबह इसको ऊपर जाकर सूखा रोटी रोटी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको सूखा रोटी ऊपर जाके सूखा रोटी भी देंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्त, चलिए दोस्त कर दे दे इसको। कम ऑन, देख ये वो देख जाकिर के पीछे आ रहा है। मेरे ख्याल से जाकिर के बैग में कुछ है। जाकिर, हम आपके बैग में कुछ है नहीं है यार? मेरे बैग में पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी, लेकिन फिर भी ये पीछे आ रहा है। सिर्फ पानी, सिर्फ पानी है, लेकिन ये फिर भी पीछे आ रहा है, पता नहीं क्या मसला है। तो चल चलते हैं जाकिर भाई। चल दोस्तों, हम भी आगे चलते हैं ताकि मतलब हमारा सफ़र ख़त्म हो। गर्मी भी है अभी, उतना ज़्यादा सफ़र बचा नहीं है। देखिए ऊपर, वो ज़्यादा ऊपर काफ़ी नज़दीक है, हम लोग सफ़र ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए ऊपर ज़्यारत में। एक देख सकते हैं कमांडर सेफ गार्ड अभी तक हमारे साथ है। ये हमारे साथ है, ये ज़्यारत ज़्यारत का तो बाल का सस्ता ये का अंदरूनी हिस्सा यहाँ पे है। ये देखे ये यहाँ पे वो साइड पे भी रास्ता है, ऊपर नहीं जाएंगे, वहाँ पे पीछे जाएंगे। अब यहाँ से देखें दूर दराज सफ़र खूबसूरत दिख रहा है, पूरा कोरा कोयटा कैंट सारा का सारा दिख रहा है। तो दोस्तों हमने कहा था वहीं पे बैठ जाएं हम, क्योंकि जो जरदार के पास जो आलम था हम वहीं पे बैठने वाले थे, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे लोग भी थे और ऐसी मतलब सायेदार जगह नहीं थी बैठने के लिए। लेकिन यहाँ पर काफ़ी एक अच्छी जगह है बैठने के लिए, आप देख सकते हैं यासीन, जाकिर किरो, सुमेल, मेरा अपना भाई, और ये हमारा सेफ गार्ड, ये भी आ गया हमारे पीछे। और ये जगह देखिए काफ़ी ख़तरनाक काई है, यहाँ से खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा गिर जाए तो। देखिए काफ़ी ख़तरनाक काई है। और हाँ जाकिर, चलो जाकिर के पास चलते हैं और उसे देर साथ बातें करते हैं। और पता है हम लोगों ने अपने साथ जो उठा रखा है, हमने कहा था यहाँ पे चाय, मतलब हो सकता है चाय ताज़ा ना हो, हम लोगों ने चाय की पत्ती या सिलेंडर है सब कुछ हम लोगों ने अपने साथ ही लाया, जो कि हम अगर चाय बनाएं तो वो भी ताज़ा ताज़ा और फ्रेश फ्रेश सेहत के लिए अच्छा होता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये रहा यासीन, आप देख सकते हैं यासीन को, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े और ख़तरनाक कार है। ये जो लैंग्वेज बोल रहा है ये हज़ारगी लैंग्वेज है, इसीलिए आ गया। ये देख ये भी हमारे साथ आ रहा। तो फाइनली हम पहुंचे हैं एक ऐसी सायेदार और बेहतरीन जगह पे जाके, जो कि मतलब जगह भी काफ़ी अच्छा है और देख सकते हैं आप, ये देखें जाकिर किरो साहब ये सजा रहे हैं। एनजी वाला कम बिल जब बोंडिया ना बोले बोंडिया किसने एनजी एनजी वाला हाँ दगोल दगोल। देखिए कि दरमियाने बिछाने के ताकि बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह हो, इसीलिए जाकिर मुझे आदमी के हैंग में ना चाय मुशा यार द कम गरम बाश मुना हाँ जो जला चंदे पेश कैसा या ग्राफिक मुकदक। तो फाइनली हम एक अच्छी जगह पे पहुंचे हैं। ये मेरा छोटा भाई सुमेल जो काफ़ी प्यासा है, पानी पी रहा है। यासीन खान, जाकिर किरो, जाकिर डांस कर रहा है।
जाकिर मूड कैसा है यार? जबरदस्त मूड तो अच्छा है, फीलिंग फिट। अच्छा पता है कहते हैं हर दोस्तों में एक बंदा ज्यादा शुगली होना चाहिए और एक बंदा मतलब क्या कहते हैं वो जो पहाड़ पे ज्यादा होना चाहिए। अगर इस तरह के दोस्त अगर हो साथ तो इंसान कभी बोर ही नहीं होता ना। तो जाकिर भी सेम टू सेम इसी तरह हमें ये मतलब पहाड़ों पे या जैसे ही काम में जो कुछ भी होना ये सब कुछ बारे में ये बंदा जानता है, इसीलिए मतलब इसके अगर यहाँ पे या चारशाख है पता नहीं कहीं पे भी जाना हो ना इसको मुख्तलिफ पॉइंट जाने के लिए हो ना इसको ले जाना ना काफ़ी फायदे में है क्योंकि ये हर चीज़ जानता है। तो जगह मिली बैठने के लिए काफ़ी अच्छा जगह। और देखिए हमने यहाँ पे लाया क्या है, ये है कोचा मज़ेदार हज़ारे की डिश। यूँ तो मतलब इसे बाकी कबायली कौमों में ये रिवाज नहीं है, जैसे कि बलोच पश्तून है उनमें ये रिवाज नहीं है कोचा बनाना या सुबह सवेरे नाश्ते में ये इस्तेमाल करना, ये चीज़ नहीं होता। तो मतलब अगर ये चीज़ नहीं होता तो वो लोग जानते भी नहीं है। और इसमें ये देखिए ये है, ये भी रिवाज नहीं होता है, ये है बोलानी, बड़ा बड़ा बोलानी या पिरकी, हज़ारगी में इसे बोलानी या पिरकी ही कहा जाता है क्योंकि ये बाकी कौमें में इस्तेमाल नहीं होता। और ये दोनों भी सुबह सवेरे के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करना काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी टेस्टी, अमेजिंग अमेजिंग। तो चलिए चल देखते हैं। यासिन मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा यासिन को भूख लगा है, यासिन ने शुरू कर दिया है, जाकिर किरो साहब ने भी शुरू कर दिए। यासिन बिस्मिल्लाह करिए। हाँ ये देखें स्मेल का मतलब, ये देखे स्मेल तो पता नहीं पड़ रहे क्या है, ये बोला नहीं ले रहा है, ये कोचा नहीं ले रहा है, इसको पता नहीं कोचा से एलर्जी है। और हमारे साथ कोचा की मशहूर कहते हैं अगर किसी को मतलब गुस्सा भी आ जाए तो वो चीज़ पिए तो ख़त्म होगा, वो पता ही क्या है, कोचा की मज़ेदार चाय। तो फाइनली हमने भी चाय भी जो हज़ार की डिश मैंने बताया था कोचा वो भी हमने खा लिया, चाय भी हम लोगों ने पी लिया। वाह रे सलमान खान, ये हमारा सलमान खान जाकिर किरो। इसके बाद पता है मैं पिकनिक पॉइंट के लिए अगर कहीं बंदा जाए ना, ये आप देख रहे हैं ये केतली नहीं है ना, तो ये शिले ना तो ये कुछ और है, इसको अगर देखा जाए तो ये काफ़ी किसी और चीज़ से बना हुआ है और इससे एल्यूमिनियम से ये बना हुआ है और इससे बढ़कर ये छोटा पिकनिक आप देखें काफ़ी छोटा है मेरे हाथ जितना, ये पिकनिक है, इसे मतलब इन बैग में लाया गया है, हती कि इसके अंदर आधा किलो गैस भी मतलब जगह होगा अगर मतलब इस बैग के अंदर लाए। अगर आप कभी पिकनिक जाए अगर ये साथ लेके जाए, ये काफ़ी मतलब हल्का भी हैवी भी नहीं है, हल्का भी है और कहीं पे मतलब कढ़ाई या कुछ भी ये पका सकता है। हमें और आपको इतना बड़ा पिकनिक कहीं पर ले जाने की ज़रूरत है ही नहीं पड़ेगी और ना तो कोई किस्म की लकड़ी ले जाने की ज़रूरत ही पड़ेगी। देखिए अभी यासिन सरवरी को नींद आ रहा है, यासिन नींद आ रहा है, थोड़ा नींद आ रहा है हमारे सलमान खान अभी। हाँ। तो चले, हाँ कुछ बोलना था। हाँ जी, इसका नींद आपने खराब किया। नींद खराब किया मैंने आज? नहीं, लाजमी बात है अगर कोई भी दोस्त कहीं पे मतलब पिकनिक पे आए उसको आपने सोने नहीं देना है, कहीं भी किसी भी सूरत में सोने नहीं देना है, लातों से गुतों से इतना मारना है, उसके बर्गर बनाना है लेकिन उसको सोने नहीं देना है। जैसे कि मैंने यासिन का हाल खराब किया, ये सोने वाला था लेकिन क्यों हम भाई सोने के लिए तो हम नहीं आए पे, ये सुबह वाला दोस्त है ही नहीं, ये सुबह वाला दोस्त नहीं है, ये सुबह आया था काफी फ्रेश था अभी देखे, ऊपर से इसने मुझे डेढ़ घंटा उधर घर के सामने इंतजार भी करा है। और बाकी ये हमारा सामान, ये बड़ा बैग। अच्छा इस पिकनिक का मतलब जो मतलब सारा क्रेडिट जाता है वो होता है जाकिर किरो को, क्योंकि ये डिजर्व करता है इतना, इतनी काम हमारे लिए किया, इसका घर भी खरीद था लेकिन इसने इतना काम किया और ऊपर से इतना ये भारी बैग किसने अकेले उठाया था। I am proud of him. I love you, Zakir. Thank you so much. Thank you so much. I love you too. तो बोलना चाहिए था। I love you too. वाह वाह वाह। नहीं नहीं, हम दो बंदे, चार नहीं है। इसने मुझे I love you too भी कहा। तो चलिए चलते हैं अभी कुछ आगे की तरफ के मतलब कुछ मिलता है या नहीं या ऊपर तरफ क्या होगा। और यहाँ के इन चट्टानों को देखे पहाड़ी, ये काफी बहुत बड़े बड़े और खतरनाक ये गार। मैंने तो पहले भी सुना था कि इन पहाड़ों में किस्म किस्म के मतलब यहाँ पे कहता था कि सांप पाए जाते हैं या कुछ और, उसके बारे में तो मुझे पता नहीं कि हम लोगों ने कभी भी देखा नहीं है। सुमेल भी यही पे खड़ा है, सुमेल क्या हुआ है? हाँ कुछ भी नहीं हुआ है। तो अलहम्दुलिल्लाह से नाश्ता भी हमने कर लिया, काफ़ी अच्छी जगह थी और साय में हमने काफ़ी ऐसी कहानियाँ सुनाई अपने दोस्तों के साथ, अच्छा मूड भी बना, माहौल भी बना। और देखिए बाकी तरफ तो गर्मी है लेकिन यहाँ पर साय है और काफ़ी अच्छी जगह, और इस मतलब
ये देखा जिस फर्श पर हम बैठे थे इसे हमने वापस मतलब आगे जान के यही पे मतलब सीमेंट के रख दिया हम लोगों ने। और ये है जाकिर खेड़ो, चलिए भी चलते हैं जाकिर भाई वापस घर की तरफ चलते हैं और आगे चलते हैं कि होता है क्या। वही 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 काफी खतरनाक जगह है ये देख। पता नहीं ये लोग आ पाएंगे या नहीं। हुई हुई ये यहाँ से जगह सही नहीं था। यहाँ से अब वापस चढ़ाई है ऊपर की तरफ। पता है आज में क्या हुआ यहाँ पे, मैं मतलब जिस वक्त हम लोगों ने खाना खाया था वो भी हमें वीडियो कर देता था, लेकिन मसला ये बना कि हमारा मूड जो था और कहानी या भंडार ऐसी मस्त थी कि मैं वीडियो करना ही भूल गया। आगे उस तरफ जाएंगे ताकि हमारा रास्ता ख़त्म हो। ओए होए 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 पिछले साल जब मैं यहाँ पे आया था तुक्सी ने कहा था कि यहाँ पे पता नहीं एक बड़ा सा सांप या आज रहा है, लेकिन उसके बाद जब मैंने यहाँ पे आया था हम लोग काफ़ी घूमे इन पहाड़ों पे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला इन पहाड़ों पे। कोई एक सा भी सुराख या साइन मिल जाता तो अच्छा था, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन मैं अगले रोज़ भी यहाँ पे आऊँगा, घूमेंगे, वीडियो बनाऊँगा, सेम देखते हैं कि वो मिलता है कि भी या नहीं, या वो है भी या नहीं। यासिन ये दोनों पीछे रह गए, मेरा छोटा भाई आगे निकल गया, वो तो चला गया। कोई तो मैं इस वक्त मतलब ज्यारत पे भी काफ़ी रश है सिर्फ ज़ायरीन की वजह से कि ज़ायरीन बाकी जगहों से ऑल पाकिस्तान से इधर आते हैं और यहाँ से तफ्तान बॉर्डर पे काफ़ी मतलब वहाँ पे ज़ियारत करबला नजफ इराक वहाँ पे जाते हैं, और इस वक्त यहाँ पे भी मतलब ज़ायरीन का काफ़ी रश है, ऊपर भी काफ़ी रश था। तो दोस्तों ज़ायरीनों के साथ यहाँ पे आना आमदनी का काफ़ी रश है, तो मुझे मतलब ऐसे दूर से दिखा एक लड़का व्लॉगिंग कर रहा था, वो भी भाई मैंने मतलब मेरी तरह ही व्लॉगिंग करता है, वो भी ज़ायरीन था। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हो? ठीक हो, खुश मज़े में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से आए हो? जी हम आज़ाद कश्मीर से आए हैं। आज़ाद कश्मीर जी, यहाँ से मतलब काफ़ी दूर पड़ते बॉर्डर पर है ना? बहुत ज़्यादा है, मुझे यहाँ तक आने को एक दो दिन लगे। एक दो दिन मतलब 48 घंटे तो लगेंगे। हाँ इतने लग गए हैं। तो आपने देखा इनके एफर्ट और वहाँ से यहाँ पे आना, यहाँ से ईरान, ईरान से करबला जाना मतलब काफ़ी दूर है, तो आप इस ज़ियारत के बारे में कुछ कहेंगे? आप थके तो नहीं? ये कहता हूँ कि जो बंदा इस ज़ियारत पे आता है ना वो पाक इतना करम करते हैं कि बंदे को यहाँ सुकून आता है, सुकून आता है, इतना मज़ा आता है कि मैं यकीन माने 48 घंटे का सफ़र गाड़ी पे किया है, कितना मजा है। बंदा लोग कहते हैं थक जाते हैं, लेकिन यहाँ थकता कोई नहीं है, बहुत ही मतलब एंजॉय होता है। एक किस्म का आप हर किस्म के कश पाकिस्तान को देखती हो, हमने यहाँ पाकिस्तान को देखा ही आज ऐसे ही करके, तो बहुत अच्छी जगह है कोयटा, खास करके आपका ये जो शहर है मुझे इतना पसंद आया, इतना अच्छा। पसंद आया कि हमारे कश्मीर तक भी ये पहुँचता है। अच्छा कोयटे से हमारे इलाके से बढ़कर जितनी आबादी हमारे हज़ार कमेटी हज़ार या मरियाबाद ना, यहाँ पे लोग आप लोगों कैसे लगे, आपके इनका बर्ताव कैसे अच्छा लगा? बहुत अच्छे लोग थे, बहुत मैंने इनको देखा है कि लोगों के अंदर बहुत ही एक रिस्पेक्ट है, ये बहुत बंदे का यानी कि इज्जत एहतराम करते हैं जैसे हम कश्मीरी लोग करते हैं, मैं वही इनके अंदर भी देखा है। पाकिस्तान के कुछ ऐसे एरिए हैं जहाँ पे नहीं मेहमान नवाजी लोग, जैसे मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि हम लाहौर जाते हैं ना तो लाहौर कोई जगह पूछते हैं तो होती बेशक ये इधर है लेकिन वो बताते उधर हैं, लेकिन कोयटा में मैंने ये देखा है कि जहाँ जगह थी वहीं जानबूझ के घुमा फिरा के कहीं और लेके जाते हैं। बिल्कुल एक रिवाज बन गया है, रिवाज वो नहीं तो ऐसे गलत होता है। एक मुसाफिर आया हो उस मुसाफिर को आप सीधा रास्ता ना दिखाएं, अगर आपको नहीं पता तो आप कहें नहीं पता, नहीं पता ये क्या घुमाए तो ना इधर, कहें जी रास्ता इधर जाता है कहते हैं इधर जाओ,
घुमा है ना, तो ये मैंने इनके अंदर देखा है कि ये इनके अंदर बहुत अच्छी, ये इनके अंदर ये बुरी आदत नहीं है बल्कि अच्छी आदत है, हो सके तो छोड़ भी आते हैं। हाँ। ये भी मैं इनके अंदर देखा है। हाँ हाँ, हम या बच्चों में ऐसी बात है, अगर कोई एड्रेस पूछे, अगर हो सके, अगर हम ना बता सके तो उनके हाथ से पकड़ कर वहाँ पे लेके भी जाते हैं। तो कोटा का मतलब मौसम कैसा है, गर्म है या नहीं? कभी गर्मी बहुत है यहाँ, वाकई बहुत गर्मी है। एक हाँ। तो हाँ, इतनी गर्मी नहीं है जितनी हमारे यहाँ गर्मी है। इसका टेम्परेचर इतना सख्त नहीं है इस धूप का। हाँ। हमारे यहाँ जो है टेम्परेचर थोड़ा सख्त होता है, लेकिन जो हमारे जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ पे कभी गर्मी नहीं होती। गर्मी नहीं होती, नहीं। अच्छा, आज़ाद कश्मीर तो बॉर्डर है, मतलब काफ़ी हवाएं भी सर्द है, सही ना? और क्या पहाड़े ना ऐसे बर्फ पड़ी रहती है, तो उन बर्फ जब पिघलती है वो साल में जैसे वो पिघलती खत्म होती है, इतनी देर से दूसरी टाइम की सर्दियाँ आ जाती हैं, फिर पड़ना शुरू हो जाती है। यानी गर्मी इतनी नहीं होती जैसे यहाँ पे गर्मी होती है। अच्छा, मतलब यहाँ से कोटे से बाहर जितने भी लोग आते हैं, मतलब खसूसन हजारा के को देख के ना हमारे चेहरे कुछ अलग से होते ना, तो आपको कुछ ऐसा अजीब सा नहीं लगा? नहीं क्योंकि थोड़ी सी आपकी जो रंग रूप है वाकई चाइनीज जापानी शक्ल की, हमने सोचा है कि हम जापान में आ गए। अच्छा, क्योंकि यहाँ के थोड़ा सा हमारे लहजा जो है, लहजा भी है, रंग भी थोड़ा सा, और जुबान भी बहुत सारा फर्क है। क्योंकि आप हजारा हैं, कोई आप में से कह रहे थे कि बंगाशे भी हैं, बंगश। हाँ, बंगश वो तो पश्तून पे आता है। हाँ। लेकिन ये शुक्र है कि समझ जाते हैं, उर्दू जुबान है सारी एक दूसरे को। तो हमारा कौमी जुबान है उर्दू। आपको लोगों को देखकर या थोड़ी सी मतलब फीलिंग आई कि मतलब ये कैसे लोग हैं? मैं तो चाइनीज समझता लेकिन उर्दू भी बोल लेते बहुत ज्यादा है जनाब, मैं समझ लिया है। मैं सोचा है कि इनको हमारी जुबान समझ नहीं आएगी। रात को एक दुकान पे गए तो उस दुकान से चीजें ली हमने। अच्छा, तो मैंने उसे बताया लेकिन उसे समझ नहीं लगी क्योंकि उर्दू कम समझता था। अच्छा अच्छा, तो फिर बड़ा मुश्किल से साथ या थोड़ी बहुत यहाँ भी सीख जाते हैं। अभी हमें दो दिन हो गए, इंशाल्लाह आज रात को हो सकता है हमारा, अगर चल गया कारवां तो हम चले जाएंगे, नहीं तो हो सकता है कल तक। खुदा करे आप लोग जल्दी जाए, आप लोग की ज़्यादा कबूल फरमाए। सही है, आप लोगों के रास्ते में कोई सी रुकावट ना है। हमारा यही दुआ है कि आप पूरी जिंदगी कामयाब रहे और खुश रहे भाईजान। मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैर से हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा कोटा का माहौल, लगा और लोग कैसे लगे आपको? कोटा के लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको इज्जत दे और माए बहनों को हमारी को पर्दादार औरत बनाए। ठीक है, पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक। और माशाल्लाह कोयटा का नज़ारा भी बहुत मज़े का है, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। ये नीचे आप सब देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा आबादी है माशाल्लाह। अच्छा। से बहुत बढ़िया बात। कोयटा का व्यू कैसे लग रहा है पीछे से? पीछे से व्यू बहुत मज़े का लग रहा है ना, आबादी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ की हवाएं मज़े की हैं। मेरे ख्याल से थक गए हो? थक गए हैं, असल में हम वो इमाम बरगाह आपको नज़र आ रही है वो जहाँ पे वो सुर्ख लगा हुआ है अलम, सुर्ख कलर का, आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है? या नहीं, नासिराबाद का इमाम बरगाह। जी 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 जी, ये पता नहीं क्या इसका नाम है, पंजाबी इमाम बरगाह के साथ है, उधर है गिलगित इमाम बरगाह। हाँ, उसी के साथ है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से हम रक्षा करके आए थे जहाँ पे सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, वहाँ सीढ़ियों से हम आए हैं अभी चल के। तो हमने यही सोचा कि आगे से पानी ले लेंगे किसी घर से, तो फिर हमने लिया नहीं किसी के घर से, हमें अच्छा मुनासिब नहीं लगा कि किसी को तंग करें हम। नहीं, इसमें पानी देना तो मतलब सवाब का काम है, कहते हैं कि जब पियो पानी हुसैन इब्ने अली का नाम लो। पानी देना यकीन, अगर मैं खुसन बात करूँ तो पानी पिलाने से या देने से बढ़कर कोई काम अच्छा होता ही नहीं है, ये है ही नहीं, सही ना? ये बहुत इतना अच्छा काम है, तो मतलब आप किसी से कह देते हो आपको? नहीं, अभी हम जाते वक्त किसी का लिहाज नहीं करेंगे, जहाँ में प्यास लगेगी हम वहीं से मांगेंगे। मेहरबानी, खुश हो, अल्लाह हाफिज़। चलिए भी चलते वापस घर की ही तरफ चलते हैं, गर्मी भी है, वैसे गर्मी ज़्यादा नहीं क्योंकि हवाएं चल रही है, लेकिन थक जाता है बंदा। अभी हम उतर रहे, आप देखे कि मेरे दो साथी मुझे छोड़ के नीचे चले गए, वो नीचे जाकिर और दूसरा यासीन, उनके पास चलता हूँ। तो दोस्तों, आप पीछे बिल्कुल देख सकते हैं हमारे पूरा कोयटा नज़ारा है और हम भी उतरने ही वाले हैं, काफ़ी करीब है। तो चलिए, आज के हमारे इस पिकनिक के जो लॉन्चर है यही था, जिन्होंने एक दोस्त भी है, एक भाई है। बिल्कुल। तो जाकिर, आप मुझे ये बताइए कि आज का ये पिकनिक आपको कैसे लगा? यार, प्रोग्राम आज का पिकनिक जो है बहुत अच्छा लगा यार, बहुत मज़ा आया इसमें। हम लोगों ने जो है वो एक ट्रैकिंग किया, ट्रैकिंग थोड़ा खस्ता कौन था लेकिन बहुत मज़ा आया। फिर रास्ते में गपशप हुई, फिर वहाँ पर पहुँच कर हमने हजारगी ट्रेडिशनल जो एक नाश्ता है कोचा, वो नोशीजान किया। तो आप लोग जब कोयटा है, सोहेल के व्यूअर जो कोयटा से बाहर है या फिर मरियाबाद से बाहर है, तो आप मरियाबाद में आकर कोचा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी है।
अच्छा ये क्या कहते हैं पिडियाया का ऊपर जो था जो जगह था साया वो भी हमें काफी अच्छी तरीके से मिला यार। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पर एक दर्री जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर था, मतलब खुदा जिसे देता है देता चप्पड़ फाड़ के, तो हम लोगों को भी चप्पड़ फाड़ के मिल गया। हम वहाँ पे जब जैसे ही पहुंचे थे मतलब वो चटाई या जो मतलब फर्श था वो वहाँ पे था, वरना हर वक्त वो वहाँ पे नहीं पाया जाता वहाँ पे था, तो हम लोग काफ़ी खुश भी हुए वहाँ पे हम बैठे। हमें प्रोग्राम भी काफ़ी ये आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा। सोलमदला से हम लोग बिल्कुल नीचे ही पहुँच गए, ये तो चलिए मतलब अभी चलते हैं, घर भी चलते हैं, लेट भी हुआ है। तो दोस्तों मैं जितना काम करता हूँ इतना मेहनत करता हूँ, मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें, मुझे ना बोले, मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।